हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, बुक माय वास्तु के नए एपिसोड में मैं फिर से एक बार आपका स्वागत कर रहा हूँ। दोस्तों, आपकी बहुत सारी डिमांड्स और कमेंट पर हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। आज हम फिर से दोस्तों हंडेवाड़ी में खड़े हैं दोस्तों, और लास्ट टाइम हमने हंडेवाड़ी का एक वीडियो बनाया था जिसमें सिर्फ 5 ही फ्लैट अवेलेबल थे, और उस 5 फ्लैट के लिए दोस्तों 68,000 लोगों ने अभी तक उस पर रिप्लाई किया था दोस्तों। और इतनी सारी डिमांड को देखते हुए आज हमने फिर से एक बार हंडेवाड़ी का लोकेशन चूज़ किया है। आज आप देख रहे हो मेरे साइड में ये इतनी बड़ी टाउनशिप है जो आप देख सकते हो, काफ़ी ज़बरदस्त रेडी पोजिशन टाउनशिप है। तो इस टाउनशिप का हम रिव्यू करेंगे, आप अगल बगल में भी सोसाइटी देख सकते हो दोस्तों। तो आपको एरिया और लोकेशन का अंदाज़ा तो आ गया होगा दोस्तों। तो अभी ये जो सोसाइटी है 100 फ्लैट की पूरी, तो इसमें हम अंदर एंटर करते हैं और पूरी सोसाइटी को भी समझ लेते हैं, और यहाँ के अंदर के फ्लैट कैसे है, क्या है रेडी पोजीशन, सब कुछ समझ लेते हैं। तो अभी हम सोसाइटी में एंट्री, तो दोस्तों सोसाइटी में हम लोग एंट्री कर चुके हैं। आप सबसे पहले यहाँ देख सकते हो दोस्तों कि आज तक हमने जितने भी बिल्डिंग के रिव्यू किए, तो जो सबसे स्टैंडर्ड सोसाइटी है उसमें ही आपको इतना स्पेस देखने को मिलेगा दोस्तों। अगर आप यहाँ से ढंग से देख सकते हो तो एंट्री गेट के सामने पूरा यहाँ पे सीमेंट कंक्रीट हो चुका है, और लगभग दोस्तों 40 फीट का साइड मार्जिन यहाँ पे एंट्री में रखा गया है। उसके अलावा अगर आप बिल्डिंग को चारों साइड से देखोगे दोस्तों तो 10-10 फीट का वहाँ पे भी अंतर रखा गया है, और पूरी तरह से रेडी पोजिशन ये बिल्डिंग है दोस्तों। आप पार्किंग भी देख सकते हो, कितना बढ़िया पार्किंग यहाँ पे रखा गया है। 4-व्हीलर 2-व्हीलर सभी का ध्यान रखा गया है दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है दोस्तों, वो हम एक बार बात करेंगे कि हम लोकेशन पे कहाँ पे खड़े हैं। तो दोस्तों यहाँ से हड़पसर जो है, हड़पसर वो सिर्फ 5 किलोमीटर पे है दोस्तों। उसके अलावा मगरपट्टा 6 किलोमीटर पे है। अमनोरा पार्क टाउन जो है दोस्तों वो 6.2 किलोमीटर पर है। उसके अलावा जो दिल्ली पब्लिक स्कूल है वो 2 किलोमीटर है। उसके अलावा बिशप स्कूल आधा किलोमीटर पे है। दोराबजी मॉल 3 किलोमीटर पे है। उसके बाद नैतिक क्लब जो है दोस्तों वो 2 किलोमीटर पे है। कॉलेज 1 किलोमीटर है, हॉस्पिटल 1 किलोमीटर पे। तो काफ़ी प्राइम लोकेशन पे दोस्तों हम लोग खड़े हैं, और ऐसे प्राइम लोकेशन पे आपको फ्लैट मिलने वाला है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 11.5 से लेके तो 15 लाख तक आप यहाँ पे फ्लैट परचेस कर सकते हो दोस्तों, और वो भी रेडी पोजिशन। उसके अलावा दोस्तों हम लोग आपको अदर फैसिलिटी क्या क्या मिल रही है उसके बारे में भी जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक लिफ्ट भी मिल रही है, 24/7 आपको पानी मिलेगा। उसके अलावा इतने सस्ता फ्लैट आपको मिल रहा है, उसमें भी आपको गर्म पानी का भी इन्होंने आपको फैसिलिटी दिया है दोस्तों। पूरा वाटर हीटर ऊपर लगाया गया है, हर फ्लैट में आपको गर्म पानी भी आएगा दोस्तों। उसके अलावा 2-व्हीलर 4-व्हीलर पार्किंग, वो तो आप सामने ही देख रहे हो मेरे। उसके अलावा वॉल कंपाउंड देखिए दोस्तों, चारों साइड से पूरे सोसाइटी को वॉल कंपाउंड हो चुका है। उसके अलावा दोस्तों सिक्योरिटी केबिन भी है यहाँ पे। हर फ्लैट को वास्तुशास्त्र के हिसाब से बनाया गया है दोस्तों। हर फ्लैट जो है वो पूरा पश्चिमी है यहाँ पे, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा दोस्तों चिल्ड्रन प्ले एरिया है। उसके अलावा सीनियर सिटीजन जो बेंचेस होते हैं वो यहाँ पे है दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर है इस पर काफ़ी अच्छे तरह से काम किया गया है। ये जो है वो अर्थक्विक अगर होता है, भूकंप भी होता है, तो भी इसको कोई होगा नहीं, स्ट्रक्चर को पूरा ऑडिट किया गया है दोस्तों। और ये एंट्रेंस गेट देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया एंट्रेंस गेट बनाया गया है। और आप और एक चीज़ देख सकते हो दोस्तों, जो सोसाइटी के सोसाइटी में आने वाला रोड है दोस्तों, वो मेन रोड से यहाँ तक, एक मिनट सर यहाँ पे ये दिखाइए, मेन रोड से लेकर दोस्तों यहाँ तक पूरा सीमेंट का रोड है। और ये सिल्वर स्टोन मॉल के सिल्वर स्टोन जो मॉल है दोस्तों, वहाँ से यहाँ तक पूरा सीमेंट का रोड है। तो ऐसे प्राइम लोकेशन पे दोस्तों आपको इतने सस्ते में फ्लैट मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है इतनी बढ़िया और बेस्ट ऑफर तो कहीं हो नहीं सकती दोस्तों। सिर्फ 11.5 लाख से लेकर 15 लाख तक साइज़ के हिसाब से आप यहाँ पर फ्लैट परचेस कर सकते हो। सबसे छोटा फ्लैट भी अगर आप लेते हो तो वो भी 320 स्क्वायर फीट का फ्लैट सिर्फ 11.5 लाख में मिल रहा है दोस्तों, वो भी रेडी पोजीशन। अगर आप भाड़े के घर में कहीं रह रहे हो रेंट से, तो आप तुरंत यहाँ शिफ्ट हो सकते हो, ये आपके लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। अगर रेंट का पैसा आप यहाँ पे ईएमआई के तौर पे भर सकते हो और अपने घर के मालिक हो सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, फटाफट ऊपर जाते हैं और एक्चुअल फ्लैट कैसे है उसको जान लेते हैं। उससे पहले दोस्तों, जैसे हम हर एपिसोड में करते हैं कि आपको एक इनकम और कमाई का एक अपॉर्चुनिटी बताते हैं, हर वीडियो में बताते हैं, तो उस अपॉर्चुनिटी को एक बार हम समझ लेते हैं और उसके बाद हम फ्लैट को देखने जाते हैं। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो, ये ओक्टा एफएक्स का ऐप है,
जनरली क्या होता है, ओक्टा एपेक्स क्या है दोस्तों, तो ओक्टा एपेक्स एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जिससे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन क्या होता है कि अगर आप खुद से ट्रेडिंग करना चाहो तो शायद आपका लॉस हो सकता है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है दोस्तों कि कॉपी ट्रेडिंग एक बढ़िया ऑप्शन है, जहाँ पे क्या होता है कि आप एक्सपर्ट को फॉलो कर सकते हो। मार्केट में काफ़ी सारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं इंटरनेशनल लेवल में, पूरे दुनिया भर में। ये आप उनका प्रोफाइल देख सकते हो कि जो जो अलग अलग लेवल के लोग हैं। जैसे मान लो आप ये बियर वॉश बूल है, अगर आप इसका प्रोफाइल देखोगे तो आज तक ये कितने दिन से ट्रेडिंग कर रहा है, इसका आज तक का प्रॉफिट कितना है, उसका पूरा सारा जो पोर्टफोलियो आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसके बाद अगर आप चाहो तो इसको कॉपी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिपॉजिट कर सकते हो और मिनिमम $25 से, ये आप ऊपर देख सकते हो $25 से आप ये पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो उससे उनको कॉपी कर सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे लाखों के तादाद में मास्टर बैठे हुए हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट निकालते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों तो ये इनका परफॉर्मेंस है, ये 2 वीक का है, ये 1 मंथ का है, 3 मंथ का है, 6 मंथ का है। तो ये रिटर्न देखोगे तो काफ़ी हाई रिटर्न है। ऐसे बहुत सारे मास्टर यहाँ पे बैठे हुए हैं दोस्तों, ये आपके हिसाब से देख सकते हो किसको आपको कॉपी करना है। जैसे अभी यहाँ पे आप देख सकते हो रिस्क स्कोरर है, टॉप गेनर है, ये मोस्ट पॉपुलर लोग हैं। जैसे अभी आप यहाँ पे देखिए, ये अनिल खान करके एक है, तो इनका परफॉर्मेंस देखिए, इनको कितने सारे लोग कॉपी कर रहे हैं ये देखिए। तो यहाँ पे क्या होता है, ये आप इनको कॉपी करते हो, ये डेली आपको प्रॉफिट देते हैं। और ये इनका जो कमीशन है यहाँ पे आप देख सकते हो 20%, वो आपको जो प्रॉफिट होता है वहाँ से ये प्रॉफिट निकाल लेते हैं। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आप देख सकते हो राइट साइड में $25 का है। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों लिंक दे रहा हूँ, तो आप वो लिंक को क्लिक करके वहाँ से अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपको KYC कंप्लीट करने के बाद आप कॉपी स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपको और भी कोई दिक्कत है तो मैं मोबाइल नंबर भी दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिलेटेड है, तो आप उस पर कॉल करके भी अधिक जो जानकारी है वो ले सकते हो दोस्तों। तो हम अपने प्रॉपर्टी को रिव्यू को कंटिन्यू करते हैं, थैंक यू। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले तो ये लॉबी देखिए दोस्तों, कितना लंबा लॉबी दिया हुआ है। एक फ्लोर पे टोटल यहाँ पे 20 फ्लैट है दोस्तों। और आप ये साइज देखिए दोस्तों, ये लगभग 5 या 6 फीट का लॉबी छोड़ा गया है यहाँ पे। और आप अभी मैं 6 बजे वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे लाइट देख सकते हो कि फ्लैट को इस तरह से बनाया गया है बिल्डिंग को कि शाम को 6 बजे भी आप यहाँ पे लाइट देख सकते हो दोस्तों हर फ्लैट में। और लॉबी में अगर इतना लाइट आता है तो हर फ्लैट को इस तरह से बनाया गया है दोस्तों कि लाइट कहीं कम ना पड़े और सारे इसमें जो नेचुरल सनलाइट है वो आए। और अभी हम क्या करते हैं दोस्तों, सैंपल फ्लैट को देखते हैं तुरंत, आप मेरे पीछे आ जाइए। तो दोस्तों ये सैंपल फ्लैट है, सबसे पहले तो हम डोर को देखते हैं यहाँ पे। ये डोर देखिए दोस्तों, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का दिया गया है। ऐसे नहीं कि भाई सस्ता फ्लैट बेच रहे हैं तो कुछ भी दिया है। तो ये डोर देखिए आप, डोर की क्वालिटी देखिए, उसके अलावा नीचे पूरे फिटिंग्स देखिए दोस्तों यहाँ पे। उसके अलावा आप अंदर आते हैं तो दोस्तों नीचे देखिए आप, वेट्रीफाइल दिया, टाइल दिया गया है। उसके अलावा ये विंडो देखिए दोस्तों, कि विंडो को चारों साइड से दोस्तों जो है वो ग्रेनाइट दिया गया है। उसके अलावा 3-ट्रैक विंडो दिया गया है दोस्तों यहाँ पे, कि यहाँ पे मॉस्किटो भी दिया गया है। देखिए आप, जनरली क्या होता है कि ये मॉस्किटो नेट बिल्डर देते नहीं है कॉस्ट कटिंग के लिए। उसके अलावा दोस्तों सेफ्टी ग्रिल भी दिया गया है यहाँ पे विंडो को, ये देखिए दोस्तों सेफ्टी ग्रिल भी दिया गया है। उसके अलावा अगर आप पेंट की बात करें तो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का पेंट यहाँ पे दिया गया है। उसके अलावा आप फिटिंग्स देखिए दोस्तों, फिटिंग्स भी कितनी बढ़िया दी गई है यहाँ पे। तो हर चीज़ का आपको ख्याल किया गया है, ऐसा नहीं कि भाई सस्ते में दे रहे हैं 11.5 लाख में फ्लैट दे रहे तो कुछ भी हल्का मटेरियल यूज़ किया है, ऐसे कुछ नहीं है दोस्तों। उसके अलावा हम अंदर अंदर की ओर जाते हैं तो ये बेसिन है देखिए दोस्तों, यहाँ पे बेसिन के यहाँ पे भी आपको टाइल्स दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे वेस्टर्न टॉयलेट दिया गया है यहाँ पे, उसको मिक्सर भी दिया गया है यहाँ पे देखिए आप, शॉवर मिक्सर, दो दो पॉइंट्स देखिए दोस्तों, हर जगह पॉइंट्स काफी अच्छे दिए गए हैं। उसके अलावा जो वेस्टर्न टॉयलेट का जो सेटअप है वो दिया गया है। और यहाँ पे एक बात मुझे काफी अच्छी लगी कि जो टॉयलेट की जो विंडो है उसको काफी हाइट पे लिया गया है, तो आपको जो प्राइवेसी का इश्यू है वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगा। उसके अलावा एक छोटी चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, एक बार ये दिखाइए थोड़ा, देखिए कितनी छोटी छोटी चीजों पे काम किया गया। अभी ये देने की बिल्डर को कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन बिल्डर ने ये भी दिया है। उसके अलावा आप अदर्स फिटिंग्स देखिए यहाँ पे, पॉइंट्स देखिए,
इतने सस्ते फ्लैट में इतनी सारी छोटी छोटी चीजों का ख्याल किया है बिल्डर ने, तो ये बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा यहाँ पे दो टॉयलेट का डोर देखिए दोस्तों, वाटरप्रूफ डोर दिया गया है टॉयलेट को, तो काफी बिल्डर की मेंटेलिटी का यहाँ पे देख सकते हो आप कितनी बढ़िया मेंटेलिटी है और कितनी अच्छी चीजें बिल्डर ने यहाँ पे दी है। उसके अलावा आप किचन का ओटा देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे। उसके अलावा पॉइंट देखिए, आपको आरओ का पॉइंट अलग दिया गया है दोस्तों। लोग यहाँ पे सिर्फ एक टैप देते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पे भी आपको पूरा सेटअप अच्छे से दिया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें, यहाँ पे भी एक अलग से पॉइंट दिया गया है आपको। तो ये छोटी छोटी चीजों का बिल्डर ने ख्याल किया है। यहाँ पे आपको फ्रिज का अलग से पॉइंट दिया है। उसके अलावा किचन को यहाँ पे बालकनी दी गई है, क्योंकि जो ड्राई बालकनी भी कह सकते हो आप इसको। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, आपको वॉशिंग मशीन का पॉइंट भी दिया है बिल्डर ने। ये देखिए वॉशिंग मशीन का अलग पॉइंट दिया है। ये ग्रिल देखिए, सेफ्टी ग्रिल देखिए। यहाँ पे इसकी हाइट भी देखिए दोस्तों कितना दिया गया है। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो भी आपको कोई इशू नहीं आएगी। तो मेरे हिसाब से अगर आप ओवरऑल देखोगे तो सारी बातों का यहाँ पे बिल्डर ने ख्याल किया है दोस्तों। ऐसे नहीं कि मैं वही बार बार दोहरा रहा हूँ कि सस्ता फ्लैट दे रहे तो कुछ भी देंगे और घटिया लोकेशन पे देंगे, ऐसे कोई नहीं है। बिल्डर का मेंटेलिटी काफ़ी अच्छा है दोस्तों। साइड मार्जिन, जब हम बिल्डिंग में एंट्री किए थे हमने, तब साइड मार्जिन देख के ही हम समझ गए थे अगर बिल्डर चाहो और बिल्डिंग को थोड़ा आगे भी लेता तो भी 10-20 फ्लैट और बन जाते, लेकिन ऐसे किया नहीं है बिल्डर ने। तो काफ़ी बढ़िया बिल्डिंग है, मैं खुद काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ ये वीडियो बनाते वक्त, और ये बिल्डिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। आप थोड़ा साइड में भी देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये काफ़ी बड़े टिकट की जो फ्लैट है यहाँ पे बन रहे हैं। ये काफ़ी हाई टिकट के फ्लैट्स है, ये प्रॉपर्टीज़ है, और उसके बाजू में दोस्तों ये प्रॉपर्टी है, लेकिन ये अफोर्डेबल हाउसिंग में आता है और रेडी पोजेशन है। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों वो सही जगह इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो आपको फटाफट साइट विजिट करना चाहिए। लास्ट टाइम हमने सिर्फ 5 फ्लैट के लिए वीडियो बनाया था दोस्तों, और 68,000 लोगों ने विजिट किया था उसको, और 5 ही दिन में फ्लैट बेचे गए थे। 5 दिन बाद फ्लैट बेचने के बाद भी लोग साइट विजिट कर रहे थे। तो अगर आप पुणे के हड़पसर एरिया में देख रहे हो, या कातरज बाईपास पे अगर आप प्रॉपर्टी देख रहे हो, आप सोलापुर से हो या बारामती से हो, उस एरिया से बिलोंग करते हो, जो पुणे में किसी काम के सिलसिले में रहते हो, या आप सस्ता फ्लैट देखते हो, कम इन्वेस्टमेंट आपको खुद का घर चाहिए, तो इससे बढ़िया ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों एक पॉइंट छूट गया था, बहुत सारे लोगों को एक गलत फहमी है कि पुणे का जो ये पार्ट है, ये साइड का जो ईस्ट साइड है जो है, कि वहाँ पे पीने के पानी की बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप कॉल करके मुझे ये सारी चीज़ें पूछने से बेहतर है कि मैं आपको लाइव में दिखाऊं। यहाँ पे पानी का प्रेशर देख सकते हो दोस्तों, ये पानी का प्रेशर है दोस्तों यहाँ पे। तो पानी का जो है वो 24/7 यहाँ पे पानी है दोस्तों, पानी का कोई इशू नहीं है। पानी का फोर्स देखिए दोस्तों, तो ये काफ़ी अच्छी पॉइंट है। अगर आपको कोई गलत फहमी हो कि भाई यहाँ पे पानी का प्रॉब्लम है, तो ऐसे बिल्कुल नहीं है। हमने लाइव में आपको पानी भी दिखा है। यहाँ पे पूरे बिल्डिंग में रेडी पोजिशन फ्लैट है, ये तुरंत रहने वाली बिल्डिंग है, आप तुरंत यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो। तो दोस्तों और एक पॉइंट है जो पार्किंग का है। आप जानते हो पुणे मुंबई में अगर आप रह रहे हो तो पार्किंग एक मेजर इशू होता है, लेकिन इस बिल्डिंग में अगर आप देखोगे तो बिल्डिंग का पूरा 11,000 स्क्वायर फुट का एरिया जो है वो पूरी तरह पार्किंग के लिए छोड़ा गया है दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के अगर 4-व्हीलर भी है तो भी वो लग सकते हैं, और अगर 2-व्हीलर है तो वो तो आराम से ही लगेंगे, क्योंकि आप पार्किंग का एरिया देख सकते हो दोस्तों। पार्किंग में कोई भी, सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड के लिए एक छोटा सा मकान बनाया गया है वो साइड में, ताकि सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे रहे और यहाँ रहकर ही वो यहाँ की देखभाल करे। इस पर्पज़ से सिक्योरिटी गार्ड का रूम छोड़कर आप देखोगे चारों साइड से पूरी तरह से दोस्तों एरिया छोड़ा गया है, तो पार्किंग का कोई इशू नहीं है। उसके अलावा मेरे बाजू में देख सकते हो जनरेटर, यहाँ पे लाइट का भी पूरा प्रबंध किया गया है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इतने सस्ते में और क्या मिलेगा आपको, 11,500 से लेके साइज के हिसाब से 15 लाख तक आप ये प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हो दोस्तों। तो ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और आप और मुझे कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों कि आप और कौन से एरिया में प्रॉपर्टी का रिव्यू चाहते हो, वो हम जल्दी लेके आएंगे। और दोस्तों आपको पता है हमने एक सीरीज शुरू की है जिसके अंतर्गत आपको बताया जाता है कि आप इनकम के सोर्स घर बैठे पैसे कैसे कमा सकते हो। आज हमने ओक्टा एफएक्स के बारे में इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक दे रहा हूँ दोस्तों, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके उसको भी ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, और वो एक पैसे कमाने का बहुत एक अच्छा जरिया है दोस्तों। और जल्दी ही मिलेंगे दोस्तों हम अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। जय हिंद।